थराली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग उपचार के लिए भेज दिया गया है। कुल मिलाकर जो ये भूस्खलन की घटना है ये कोई नई नहीं है। इस गांव में लगभग 2 साल से लगातार चट्टान से जो पहाड़ी है उससे भूस्खलन हो रहा था। ग्रामीण हमेशा मांग कर रहे थे कि इसका स्थायी ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन इसे प्रशासन ने और सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल देवेन, ये भी जानना चाहेंगे करीब कितने मकान भूस्खलन की चपेट में आए हैं और क्या मलबे में 2 लोगों के अलावा अब किसी और के दबने इसका अंदाजा तो नहीं है? जी देखिए, जो पेनगढ़ गांव है इसके लगभग 30 मकान जो है 30 मकान भूस्खलन की चपेट में है। ये जो है पहाड़ी से, जब पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है तो उसके पत्थर उसका मलबा गांव में गिर रहा है। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, कल शाम से मौसम साफ था, मध्य का लगभग 1-1.5 बजे ये भूस्खलन जो है हुआ। और ग्रामीणों के अनुसार पहले ये भूस्खलन लगभग 11:30-12 बजे हुआ था और ये होता रहता था, लेकिन जो रात को 1-1.5 बजे के करीब भारी भूस्खलन हुआ और जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो लुढ़कते हुए जो गांव के 3 मकानों में जो गिरे हैं और जिससे गांव की छत, जो मकान की छत है वो गिर के और उसके अंदर सो रहे लोग दब गए, उनको जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा, भारी भूस्खलन उसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका देवेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर अब अयोध्या से। यहां दीपोत्सव पर इस बार भव्य तैयारी की गई है, पूरी अयोध्या को भगवामय किया जाएगा, हजारों भगवा ध्वज उनका निर्माण किया जा रहा है, तो पूरी अयोध्या भगवामय नजर आएगी, हजारों भगवा ध्वज उनका निर्माण किया जा रहा है। सांसद लल्लू सिंह के आवास पर की जा रही है ये तैयारी, विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिए भेजे जाएंगे ये ध्वज। यहाँ अयोध्या के घरों गलियों में ध्वज लगाए जाएंगे। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो इसी आगमन के चलते ये खास तैयारी हो रही है। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, इसमें अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां दीपोत्सव पर एक बार फिर से भव्य तैयारी है, पूरी अयोध्या को भगवामय किया जाएगा और हजारों भगवा ध्वज उनका निर्माण किया जा रहा है। सांसद लल्लू सिंह के आवास पर की जा रही है ये तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका इस बार दीपावली पर आगमन होगा अयोध्या में, विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे ये भगवा ध्वज, अयोध्या के घरों में गलियों में ये सभी भगवा ध्वज लगाए जाएंगे। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या में दीपोत्सव पर इस बार भव्य तैयारियां, क्योंकि इस बार दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और दीपोत्सव पर, जहां राम की पैड़ी पर एक दीपों की छटा दिखेगी, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं अयोध्या की गलियों में तमाम जगहों पर भगवा रंग के ध्वज जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, अयोध्या के घरों में गलियों में ये ध्वज लगाए जाएंगे, भगवामय हो जाएगी अयोध्या। तो खबर अयोध्या से, यहां दीपोत्सव का आज से औपचारिक आगाज हो गया। 3 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव के लिए घाट, नगर, चौराहे, मंदिर सब सज चुके हैं। आज से राम की पैड़ी के घाटों पर दीपक बिछाए जा रहे हैं। 22,000 वॉलंटियर्स राम की पैड़ी के घाटों पर 17,00,000 दीपक बिछा रहे हैं। साथ ही शाम को रामलीला का मंचन भी किया जाएगा, वहीं लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड 17,00,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ट्रैफिक से लेकर सांस्कृतिक आयोजन तक के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो दीपोत्सव का आगाज, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या खास तैयारियां दीपावली और दीपोत्सव को लेकर इस बार अयोध्या में की जा रही हैं?
देखिए ऐश्वर्या, बहुत ही भव्य तैयारी है, अयोध्या सज रही है पूरी तरह से। कल से ही दीप बिछाए जाने लगे थे घाटों पर, 37 घाटों पर दीप बिछाए जाने हैं, 17 लाख के करीब दीप जलाए जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे यहां पहुंचेंगे, उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। और आपको बता दें कि रामलला का वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, वहां पर वो पहला दीप जब जलाएंगे तब दीपोत्सव का आगाज होगा और दीपोत्सव का आयोजन होगा। बहुत विहंगम तरीके से लेजर शो का आयोजन होता है और करीब 1 घंटे की आतिशबाजी इस दौरान होगी। और 17 लाख दीप जब राम की पैड़ी पर जलेंगे तो उसका एक अलग ही मजा होगा, अलौकिक दृश्य होगा और पूरी दुनिया इस दीपोत्सव को देखेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज होना है। राम जी जब 14 साल बाद वनवास से लौटे थे तो उनके स्वागत में हर घर में दीप जले थे, हर चौखट में दीप जले थे, माताएं बहने दीप जलाकर उनका स्वागत कर रही थी। तो वही अयोध्या फिर वही स्वरूप में अंगड़ाई ले रही है और लौट रही है अपने उसी राम की अयोध्या फिर से स्थापित होने की राह पर है। तो ऐसे में बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा उत्सव है, महोत्सव कहेंगे इसको, कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये दीपोत्सव पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनेगा। और यहाँ की जनता, अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी का कि वो आए और इस दीपोत्सव को देखें। जो अयोध्या कभी अविकसित थी, कभी उसको उस निगाह से नहीं देखा जाता था, तमाम दुश्वारियां यहाँ के लोग झेल रहे थे, आज खुशी का पल आने जा रहा है, एक नई अयोध्या का स्वरूप निखर कर आ रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए, कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ ये बड़े दीपोत्सव का आगाज भी हो रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, दीपावली पे अयोध्या दीपों से तो सजेगी ही, लेकिन इसके अलावा भगवा ध्वज भी तैयार किए जा रहे हैं जो गलियों, नगर, चौराहों और तमाम मंदिरों पर लगाए जाएंगे। उन भगवा ध्वज के बारे में कुछ बताइए। देखिए अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने, चूंकि नरेंद्र मोदी जी को आना है तो ऐसे में उनकी अगवानी के लिए जिन जिन पथों पर वो चलेंगे वहाँ भगवा ध्वज लहराए जाएंगे, तो बड़ी संख्या में उन्होंने भगवा ध्वज का निर्माण किया है और वो भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं रात से ही और वो कल तक पूरी तरह से लगा दिए जाएंगे। तो बता दें आपको, अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। 17 लाख दीपक जलाए जाने की तैयारी की जा रही है और इन दीपों के जरिए दीपोत्सव को बहुत खास बनाया जाएगा। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो इस वक्त लग गए हैं अपने काम पर कि किस तरह से जो दिए हैं उनको जलाया जाएगा, अयोध्या को भगवामय किया जाएगा, उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो करी गई हैं। लगातार अयोध्या पिछले 3 सालों से हम कहें तो दीपोत्सव को लेकर के रिकॉर्ड बनाती है और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बसपा का एक दिवसीय सम्मेलन आज है, मायावती सम्मेलन को संबोधित करेंगी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा सुबह 11 बजे बसपा कार्यालय में ये सम्मेलन होगा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुबह 11 बजे बसपा कार्यालय में सम्मेलन होगा, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं सुबह 11 बजे बसपा कार्यालय में सम्मेलन होगा, मायावती सम्मेलन को संबोधित होंगी। बसपा का यह बड़ा सम्मेलन, आगामी निकाय चुनाव उन्हें लेकर के यह सम्मेलन किया जाएगा, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बसपा कार्यालय में सम्मेलन होगा।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्तंड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तंड, बसपा ने भी अब कमर कस ली है आगामी निकाय चुनाव को लेकर के, अब ये बड़ा सम्मेलन जिसको संबोधन मायावती खुद करेंगी। जी बिल्कुल, देखिए बसपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में 11 बजे ये यहाँ पे सम्मेलन शुरू होगा, प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है। सीधे तौर पे जो है लोकसभा चुनाव के पहले जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली और अब बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और सीधे तौर पर निर्देश कर दे दिए गए हैं। सभी जो है प्रदेश स्तरीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों चाहे कोऑर्डिनेटर हों, सबको निर्देश दे दिया गया है कि जो भी तैयारियाँ हैं उसको अंतिम रूप दे दिया जाए और आज उसी के तहत जो है ये सम्मेलन बुलाया गया है। आपको बताएं लगातार पिछले चुनाव में जिस तरीके से पार्टी अपना जो है जनाधार खोती रही और लगातार जो है हार का सामना करना पड़ता रहा, इस बार पार्टी निर्णय लिया है कि 2024 के पहले चूंकि जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें जो है संगठन को मजबूत किया जाए, साथ ही साथ जो है जनाधार है उसको बढ़ाया जाए। लगातार मायावती कोशिशें कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने देखा इमरान मसूद को जब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराया तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान मसूद पश्चिमी क्षेत्र के बड़े नेता हैं और एक चुनौती भी पेश कर दी खासतौर समाजवादी पार्टी के सामने, जिसपे समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम वोटों पर अपना हक जताती रही है, उसको लेकर एक चुनौती पेश कर दी बसपा की तरफ से। और जाहिर तौर पे इमरान मसूद के आने के बाद से कहीं ना कहीं जो सहारनपुर आसपास के जिले हैं वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर पूरे बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जरूर बदलेंगे और बस बहुजन समाज पार्टी इसी कोशिश में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं इन वोटों को अपनी तरफ करके और एक चुनौती पेश की जाए। और यही वजह है कि लगातार जो है मायावती अब फिर से सक्रिय हो गई है और ये बैठक आयोजित की गई है कि नगर निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी चुनाव में जाए और जीत हासिल करे। बिल्कुल, मातन ये भी समझना चाहेंगे जिससे प्रदेश स्तर के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको इस सम्मेलन में बुलाया जा रहा है जिसमें मायावती संबोधित करेंगी, और बसपा के कौन कौन से खास लोग मौजूद रहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में जो है खास तौर से जो है प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिला अध्यक्ष हो गए, कोऑर्डिनेटर्स हो गए और तमाम वो पदाधिकारी जो प्रदेश संगठन से जुड़े हुए हैं वो शामिल होंगे और साफ तौर पर निकाय चुनाव को लेकर इसमें सबसे पहले चर्चा होगी कि पार्टी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद पार्टी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो अभी तक माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे और उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ये त्रिशंकु जो है निकाय चुनाव एकदम ट्रायंगुलर हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी इसमें पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। यही वजह है कि आज ये बैठक बुलाई गई है जिसमें मायावती खुद संबोधित करेंगी, दिशा निर्देश देंगी तथा साथ ही साथ जो है तैयारियों का जायजा लेंगी। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के पहले इस नगर निकाय को जिसको रिहर्सल माना जा रहा है उसमें पूरी दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मार्तन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा सम्मेलन बसपा का। खबरों में आगे बढ़ते हैं अमरोहा की तरफ। अमरोहा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, यहां सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है कि लोगों को विभाग द्वारा इलाज नहीं मिल पा रहा है। डेंगू की चपेट में आए लोगों को झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है। ये पूरा मामला नौगावां सादात तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर का है। तो डेंगू का बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है साफ तौर पे लोगों की कहेंगे जो पीड़ित हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके देखते हुए तमाम शहरों में प्रयत्न किए जा रहे हैं, डेंगू के लिए छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त डेंगू के मामले लगभग हर जिले में अपने चरम पर हैं। लगातार डेंगू को लेकर के जो स्वास्थ्य महकमा है वो अब अलर्ट कर रहा है आम जनता को, लेकिन डेंगू के मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह डेंगू के मामले जिले में बढ़े हैं और अब उन्हें लेकर के प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, आम जनता तक आम जनता को राहत मिले डेंगू से उसके लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामले उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद से सामने आ रहे हैं, ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। तमाम तरीके के अलर्ट भी आम जनता को दिए जा रहे हैं कि डेंगू से अपना बचाव जरूर करें। ये जो मामले हैं डेंगू केसेस के बढ़ने के, ये नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर पे हैं। यहाँ डॉक्टर्स से इलाज करा रहे हैं लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त सक्रिय हो जाते हैं, जो पीड़ित हैं वो उनकी चपेट में आ जाते हैं झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज करा करके, और नतीजा ये निकलता है कि या तो कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है या फिर जो डेंगू से परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो डेंगू के इन मामलों को लेकर के किस तरह झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, वही खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है कि लोगों को विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं मिल रही है, सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, सही जो कहेंगे सही इलाज समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। अमरोहा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अमरोहा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आए हैं और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है कि लोगों को विभाग द्वारा इलाज नहीं मिल पा रहा है, डेंगू की चपेट में आए लोगों को झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज कराना पड़ रहा है। अमरोहा से ये पूरा मामला, वहां के नौगावां सादात तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर का ये पूरा मामला है। बड़ी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आते हैं और जिस तरह से इस बार बरसात ज्यादा हुई उस हिसाब से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, डेंगू के केस इस तमाम जगह से सामने आ रहे हैं और अगर डेंगू नहीं तो प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम होने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल अमरोहा से ये पूरी जो तस्वीरें हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा के नौगावां सादात तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर का मामला, जहां डेंगू के केसेस काफी ज्यादा बढ़े और जो आम जनता है उसका आरोप है कि स्वास्थ्य महकमा लापरवाही बरत रहा है, सही रुख नहीं अपना रहा और इसी का नतीजा है कि आम जनता को जो झोला छोप डॉक्टर्स हैं वो ठग रहे हैं। तो इस खबर पर विशम रजा हमारे साथ अमरोहा से लाइव जुड़ चुके हैं। कैसी स्थिति वहां पर डेंगू की और जो झोला छाप डॉक्टर्स की बात सामने आ रही है वो क्या खबर है? बात की जाए तो यहाँ जो डेंगू है उसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ चुका है, अभी लगभग एक दर्जन से अधिक गांव जो है डेंगू की चपेट में आए हुए हैं। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या किया जा रहा है सावधानियां बरतने के लिए या जो पीड़ित आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए। जी बिल्कुल, अब से पहले लगभग एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य विभाग से जब बात की गई थी तब उसमें एक गांव चपेट में आया हुआ था आलमपुर। आलमपुर में जब यह पूरा गांव जो है डेंगू की चपेट में था उस समय स्वास्थ्य विभाग से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने टीमें लगा दी हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है अभी डेंगू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, क्या जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो सक्रिय हैं उनको पकड़ने के लिए उनपे लगाम लगाने के लिए पुलिस कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, देखिए जब स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है तो उसके अलावा फिर जो जनता है या जो बीमार है जो पीड़ित है उनके लिए क्या है? उनके लिए झोला छाप डॉक्टर ये एकमात्र सहारा है जिनके सहारे वो अपना इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थनगर में चलती कार के इंजन में अचानक ही आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में सवार सभी चार लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला है। शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के तिलौली की यह पूरी घटना है।